हेलो नमस्ते, जय श्री राम। और सोनम बिष्ट उत्तराखंड से आज अपनों फिर से अपने किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज बताने जा रही हूँ मैं कि बासी रोटी जो बसती हैं, बासी रोटियाँ, उनको कैसे बनाएं, क्योंकि हम लोग बासी रोटी फेंक देते हैं। इसलिए आज मैं बताने जा रही हूँ कि बासी रोटियों को कैसे इस्तेमाल करें। ये काट दिया मैंने बारीक प्याज, ये थोड़ा सब्जी बची है सुबह की, ये मिर्ची टमाटर, ये गोभी मैंने कद्दूकस किया बंद गोभी को, ये चटनी है। अब मैं बताती हूँ कि कैसे हम तैयार करें बासी रोटियों का नाश्ता। ये मैगी है, ये हमने तवा गरम करने के लिए रख दिया, हो गया तवा गरम। उसमें लगाते हैं हम चटनी, पूरी रोटी में चटनी लगानी है। मैं दूसरे दो तरह के बताऊंगी कि दो तरह के कैसे बनाते हैं, अलग अलग दो तीन तरह के। बस रोटी किसी को एक अच्छी नहीं लगी तो दूसरी भी। तो हम रखेंगे एक तरफ प्याज, थोड़ा थोड़ा प्याज, दो चार कटी हुई हरी मिर्च, मिर्च अपने हिसाब से रख दो जितने बच्चे को या आपको पसंद आए। आप अगर एक बार बनाओगे तो ज़रूर ट्राई करोगे। ये गोभी जो हमने बारीक काटी थी वो गोभी, और ये सॉस, ये मार दी हमने पलटी, ये ऐसे करना है। फिर इसमें थोड़ा तेल इधर उधर से हल्का, अब मैं दूसरी तरह की बताती हूँ कि दूसरी तरह कैसे बनाना है। ये रख दी हमने रोटी। किसी को ऐसा होता है कि चटनी पसंद नहीं आती है तो वो दूसरी तरह के कैसे बनाए, वो पूरे में सॉस लगाएं। ये मैगी है, मैगी ये थोड़ा प्याज, थोड़ा हरी मिर्च, टमाटर, ये कद्दूकस हुई गोभी, ये बन रहा है। अब मैं फिर तीसरी तरह के मतलब बताऊंगी, जो वेजिटेबल मतलब सब्जियों का जो सब्जी बची थी उसका भी बनाऊंगी मैं। अब मैं ये तीसरी तरह के बनाती हूँ, ये आपको कैसे लगे अब बताना कि कौन से वाला आपको ज़्यादा पसंद आए। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, एक बार देखें ज़रूर। इसमें थोड़ा हल्का चटनी, हल्के सॉस, एक तरफ मैं चटनी लगाऊंगी, एक तरफ मैं सॉस लगाऊंगी। अब ये लगा लिया मैंने एक तरफ सॉस, एक तरफ चटनी। अब पहले इसमें प्याज डालेंगे, कोई भी सब्जी बची होगी लोग नहीं खाते हैं, इसलिए एक बार रोटियों के और सब्जियों का ऐसे देखें, टेस्ट करें कैसे हो रहा है, बनाएं। इसमें हरी मिर्च, टमाटर, फिर इसमें प्याज डाली, हल्का ज़्यादा प्याज डाली इनमें, गोभी। ये बन के तैयार हो गया है, अब खाने में भी बहुत अच्छे होते हैं, एक बार जरूर ट्राई करें। और बासी रोटियों को कि कैसे कैसे बनते हैं अब देख लें एक बार, अब बनाएं अपने घर में। और अब हम टेस्ट करेंगे कि कैसे बनाएं, आपको भी देंगे, आ जाओ।